हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडीएफ गुरु एकेडमी। पीडीएफ गुरु एकेडमी के इस वीडियो में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पीडीएफ गुरु एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में एक बेल बटन का दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम अगर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन है जो आपके पास पहुँच जाए और आप हमारे वीडियो को देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आई इरना सोलबर्ग किस देश की प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शन है इटली, लग्जबर्ग, आइसलैंड, नॉर्वे। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा नॉर्वे। मतलब कि इरना सोलबर्ग जो हैं वो नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये जो नॉर्वे की 28वीं प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर भी हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या है। हाल ही में कहाँ पर 9 दिनों तक चलने वाली अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश। तो जो इसका आंसर होगा क्या होगा? गुजरात होगा। हम बता दें गुजरात में कुल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, और जो गुजरात की कैपिटल है वो है गांधीनगर, और गुजरात के गवर्नर हैं ओम प्रकाश कोहली। गुजरात के जो सीएम हैं वो हैं विजय रूपानी, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और वहाँ का सेक्स रेशियो जो है 919:1000 है। तो ये है मतलब अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन जहाँ कहाँ किया गया, तो गुजरात में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से पिछड़ी सवर्ण जातियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी है? ऑप्शन है 7%, 12%, 10%, 15%। तो अभी गवर्नमेंट ने जो सवर्ण जातियों के लिए आरक्षण के लिए मंजूरी दी है वो है 10%। इससे पहले जो आरक्षण था ओबीसी के लिए 27% थी, एससी के लिए 15% था, एसटी के लिए 7.5% था। जो आरक्षण मिला है 10% सवर्ण जातियों के लिए, उसके लिए कंडीशन है। इसमें कंडीशन ये है कि 8 लाख तक इनकम होना चाहिए, और 5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए, उन्हीं लोगों को ये आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर है, हाल ही में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए? ऑप्शन है 97, 98, 95, 57। तो जो आंसर होगा इसका 97 होगा। मतलब केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने 97 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये जो आपको फिगर में दिख रहे हैं ये विजय रत्नाकर हैं। क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आधारित फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के निर्देशक कौन हैं? ऑप्शन है अनिल शर्मा, संजय बारू, राजकुमार हिरानी, विजय रत्नाकर। तो विजय रत्नाकर क्या हैं? डायरेक्टर हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो कि पिक्चर आ रही है, जो कि दिसंबर 2019 में रिलीज होगी। इसके जो डायरेक्टर हैं विजय रत्नाकर। विजय रत्नाकर का फुल नेम है विजय रत्नाकर गुट्टे। जो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो फिल्म आ रही है, ये जो फिल्म है संजय बारू ने एक किताब लिखी है, उसी किताब पर ये फिल्म बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है माया, रानी, सुनैना, रिंकी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा रानी ने जो राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। रानी जो है ये हैं हिमाचल प्रदेश की लेडी हेड कांस्टेबल हैं, जो कि सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने महिला स्वयं सहायता समूह को 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की है? ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा उड़ीसा। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है, और उड़ीसा के जो गवर्नर हैं वो है गणेशी लाल, और उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक हैं। तो मतलब कि
3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की जो घोषणा की है वो गवर्नमेंट है वहाँ की, उड़ीसा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में शेख हसीना ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ ली है? ऑप्शन है कतर, इराक, बांग्लादेश, फिलीपींस। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका। हम और बता दें आपको कि बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं वो अब्दुल हमीद हैं, और वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं सैयद मोहम्मद हुसैन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, टाटा ओपन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? टाटा ओपन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन रोहन बोपन्ना, दिविज शरण, ल्यूक बम्ब्रिज, ए और बी दोनों। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रोहन बोपन्ना और दिविज शरण। इन दोनों की युगल जोड़ी ने ब्रिटेन के ल्यूक बेम्ब्रिज और जानी ओमारा को हरा कर ये टूर्नामेंट अपने नाम किया है। मतलब कि टाटा ओपन टूर्नामेंट का जो खिताब जीता है रोहन बोपन्ना और दिविज शरण ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्र सरकार ने असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन है दीपक रावत, नवनीत सिकेरा, एमपी बेज बरबुआ, श्रीकांत कुशवाहा। तो इसका जो आंसर होगा एमपी बेज बरबुआ होगा। हम बता दें कि जो असम समझौते के खंड 6 के अंतर्गत जो एक समिति गठित की गई उसके अध्यक्ष जो हैं एमपी बेज बरबुआ, और उनको 6 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपना है। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी हैं, और यहाँ के जो सीएम हैं सर्बानंदा सोनोवाल हैं जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में रोजर फेडरर ने किसके साथ मिलकर हाफ मैन कप जीता है? ऑप्शन है बेलिंडा बेनकिक, एंजेलिक कर्बर, अलेक्जेंडर ज्वेरेव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बेलिंडा बेनकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने संचार नेविगेशन और निगरानी के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन हाल, नाबार्ड, सिडबी एंड समीर। तो जो इसका आंसर होगा समीर होगा। तो दोस्तों ये था आज टॉप 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।